डे स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका है। कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों का जो बोर्ड एग्जाम शेड्यूल है वो ऑफिशियली पब्लिश कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज वर्ष सन 2021 की हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा का कार्यक्रम, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसका जो शेड्यूल है वो पूरा पब्लिश किया गया है। अब आप देख सकते हैं कि कब से स्टार्ट है आपके जो एग्ज़ाम है वो 24 अप्रैल से स्टार्ट है। जैसा कि आप लोगों को प्रीवियस में बताया जा चुका है कि आपके एग्ज़ाम जो होंगे वो अप्रैल या मई के बीच में होंगे, तो जस्ट उसी के अनुसार आपके जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल के लास्ट वीक से ही स्टार्ट हैं, यानी 24 अप्रैल से स्टार्ट हैं। और हाई स्कूल का ये है और इंटरमीडिएट के ये शेड्यूल है, दोनों का एक साथ पब्लिश किया गया है। अब आप देख सकते हैं कि 24 अप्रैल को किस चीज़ का पेपर है। तो हाई स्कूल के लिए सबसे पहले आप देखेंगे हाई स्कूल का हिंदी का है, ठीक है, प्रारंभिक हिंदी या हिंदी, और इंटरमीडिएट का 24 ही अप्रैल को है, सामान्य हिंदी और हिंदी दोनों का है, ठीक है। कहने का जिसके पास सामान्य है वो सामान्य हिंदी और हिंदी दोनों का ही पेपर है 24 अप्रैल को। फिर बात आते हैं 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल को है पाली अरबी जो भी है संगीत गायन। फिर नेक्स्ट है मंगलवार 27 अप्रैल को, 27 अप्रैल को गृह विज्ञान का है बालिकाओं के लिए हाई स्कूल में, और इंटर में है ये सारे सब्जेक्ट उर्दू पंजाबी बांग्ला इस तरीके से जो भी सब्जेक्ट हैं आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट दूसरी वाली मीटिंग में है शाम वाली मीटिंग में, यानी 2 बजे से जो स्टार्ट होगा वो बही खाता था लेखा शास्त्र इंटरमीडिएट के लिए है। फिर 26 अप्रैल की बात करते हैं, 26 अप्रैल को आपका होगा हाई स्कूल वालों के लिए चित्रकला होगा, और सेकेंड मीटिंग में कंप्यूटर होगा, और इंटरमीडिएट वालों के लिए सैन्य विज्ञान व्यापारिक संगठन जो भी है। और फिर है नेक्स्ट है आपका 29 अप्रैल, 29 अप्रैल को हाई स्कूल वालों का ये है और इंटरमीडिएट वालों का है चित्रकला, यानी 29 अप्रैल को आपकी है चित्रकला इंटर वाले स्टूडेंट। और फिर है सेकेंड मीटिंग में इंटर वालों का है अर्थशास्त्र एवं भूगोल, और हाई स्कूल वालों का है संगीत गायन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शुक्रवार यानी 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को अंग्रेजी का है हाई स्कूल वालों का, और इंटर में है ये आपके फल खाद्य विभाग जो भी है ये सारे सब्जेक्ट इसमें है, यानी इंग्लिश का पेपर हाई स्कूल वालों का है 30 अप्रैल को। फिर आप देख सकते हैं कि सेकेंड मीटिंग में यानी 30 अप्रैल को ही इंटर वालों का कंप्यूटर का है। फिर 1 मई को स्टार्ट करते हैं, 1 मई को हाई स्कूल वालों का है वाणिज्य का, और इंटर वालों का अरबी पा फा पा फारसी सॉरी और पाली जो भी है। फिर सेकेंड मीटिंग में है सिलाई का और अंग्रेजी का, इंटरमीडिएट का इंग्लिश का पेपर है 1 मई को, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और फिर सोमवार को आपको 3 मई, 3 मई को है सामाजिक विज्ञान हाई स्कूल वालों का, और इंटर में है फल खाद्य विभाग संरक्षण जो भी है। फिर है 2 बजे सेकेंड मीटिंग में है इंटर वालों का ये कृषि जंतु विज्ञान जो भी है आप देख सकते हैं पूरा। फिर मंगलवार यानी 4 मई को कृषि विज्ञान का है हाई स्कूल वालों का। फिर शाम मीटिंग में है हाई स्कूल वालों का मानव रिटेल ट्रेडिंग जो भी है, रसायन विज्ञान इंटर वालों का रसायन विज्ञान और इतिहास का, आर्ट साइड वाले जिनका इतिहास का है और साइंस साइड वाले रसायन विज्ञान का है 4 मई को। फिर आप बात कर लेते हैं कि बुधवार को, बुधवार यानी 5 मई को आपका हाई स्कूल वालों का है विज्ञान का, और इंटर वालों का औद्योगिक संगठन यानी वाणिज्य वर्गों के लिए। और फिर शाम मीटिंग में है पशुपालन से रिलेटेड इंटर वालों का। फिर आप देख लेते हैं 6 मई को, 6 मई को मनोविज्ञान का है अर्थशास्त्र का शिक्षा शास्त्र का है इंटरमीडिएट का, हाई स्कूल का कोई पेपर नहीं है। फिर 8 मई को संस्कृत का है हाई स्कूल वालों का, और इंटर वालों का ये वाला सब्जेक्ट है। फिर देख लेते हैं 10 मई को आपका गणित का पेपर है हाई स्कूल वालों का, और इंटर वालों का गणित प्रारंभिक था सांख्यिकी, सेकेंड मीटिंग में इंटर वालों का है समाज शास्त्र। फिर 11 तारीख को है आपका हाई स्कूल वालों का कोई पेपर नहीं, इंटर वालों का ये पेपर है। सेकेंड मीटिंग में आप देख सकते हैं कि सेकेंड मीटिंग में इंटर वालों का है संस्कृत गणित प्रारंभिक सांख्यिकी जो भी है। फिर है बुधवार को यानी 12 मई को आपके पूरे एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपके ख़त्म हैं, मतलब कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो 12 मई को एंड है, पूरे हाई स्कूल वालों का कोई पेपर नहीं, इंटर वालों का ये पेपर है। सेकेंड मीटिंग में है इंटर वालों का नागरिक शास्त्र 2 बजे से 5 बजे तक। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो 24 मई से स्टार्ट हैं और ख़त्म कब हैं आपके हाई स्कूल और इंटर दोनों के 12 मई को, यानी 12 मई को पूरे आपके एग्ज़ाम पूरे टोटल एंड है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपके जो टाइम टेबल है वो पब्लिश किया जा चुका है, तो इस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को और आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट नेक्स्ट आती है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे या मॉडल पेपर से रिलेटेड या अदर कोई इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।